हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीगर्ल। दोस्तों, बॉलीवुड हैज लॉट्स ऑफ ब्लॉकबस्टर और ऐसे ही ब्लॉकबस्टर देने वाले हीरो हैं सलमान खान और भाईजान। सलमान की सभी मूवीज सुपरहिट साबित होती है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनकी हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबलाइट। ये सलमान खान की फ्लॉप मूवीज में से एक है। बॉलीवुड में ऐसी कितनी मूवीज होती है जिनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, बट इट डजंट लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। भाईजान ने इस मूवी से काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन हुआ क्या ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्यूबलाइट मूवी में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि मूवी में शाहरुख खान का रोल क्या था, किन किन वजह से मूवी फ्लॉप साबित हुई, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाई की और चाइना में इसका रिस्पांस कैसा था। दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह बिष्ट। नंबर एक, बात करें अगर सलमान खान के कैरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी में सलमान खान का रोल बहुत अलग था। यूजुअली जैसा वो रोल प्ले करते हैं, एज यू नो, राधे दबंग टाइप के कैरेक्टर, लेकिन इस मूवी में उनका रोल एक ऐसे लड़के का था जो मेंटली अबनॉर्मल है और ये रोल बिल्कुल सूट नहीं हुआ। ऑडियंस सलमान खान को ऐसे रोल में नहीं देखना चाहेगी। सच बोल दूंगा, आज इतना मजा नहीं आया, भाई से नाराज हो गए, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, कबीर खान ने गलती कर दी लिटिल बॉय का कॉपी करके। तो एक्साइटमेंट बहुत था, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, बट इस बार मज़ा नहीं आया, सच्ची बोल रहा हूँ। टी शर्ट वी शर्ट पहन के आ गए, वो तो है ही, बट इतना मज़ा नहीं आया, सच बोल रहा हूँ। परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है, बट स्टोरी में इतना कुछ दम ज़्यादा लगा नहीं। नंबर दो, मूवी में दो भाइयों की कहानी थी जिसमें एक भाई बिल्कुल नॉर्मल था तो वही दूसरा भाई मेंटली अबनॉर्मल। और बात करें इस रोल में सुहेल और सलमान खान की, तो ये दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। दोज आर नॉट लुकिंग ब्रदर, मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये दोनों भाई हैं। वो अलग बात है कि एक्चुअल में ये दोनों भाई हैं, एंड कहानी में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं था। ये भी एक वजह है जो इस मूवी को बोरिंग बनाती है, क्योंकि ऑडियंस को ट्विस्ट देखने में ज्यादा मजा आता है। थोड़ा भी दम नहीं पिक्चर में, अरे पिक्चर में कबीर खान ने क्या बनाने की कोशिश की है पब्लिक को समझ में नहीं आया। टोटल फ्लॉप, टोटल ट्यूबलाइट जीरो का बल्ब साबित हुआ। सलमान खान का जो कैरेक्टर है समझ में नहीं आ रहा, क्या है वो कैरेक्टर और पिक्चर ही क्यों बनाई वही समझ में नहीं आ रही, कुछ स्टोरी में दम ही नहीं थोड़ा भी, टोटल फ्लॉप। नंबर तीन, मूवीज में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है डायलॉग्स। मूवी में अगर डायलॉग अच्छे होंगे तो मूवी वैसे ही हिट हो जाती है, लेकिन इस मूवी में डायलॉग काफी ड्रामेटिक था, बट ऑडियंस वांट रियलिस्टिक डायलॉग, क्योंकि ऑडियंस स्टोरी में रियल चीजें चाहती है। डायलॉग, एक्टिंग, स्टंट, फाइट, सब कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए, तभी ऑडियंस को वो पसंद आता है। ऑब्वियसली इस मूवी में रियलिस्टिक डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो चीजें रियल ही हो तो ज्यादा अच्छा है। नंबर चार, फिल्म रिलीज होने के बाद देखा जाता है कि उस फिल्म से कितना प्रॉफिट होगा, वो फिल्म कितनी कमाई करेगी। वैसे तो सलमान खान की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छी अर्निंग कर लेती है, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाई। इट वॉज फ्लॉप मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ बाहुबली। दोस्तों, ट्यूबलाइट के आने से कुछ टाइम पहले ही बाहुबली आई थी, तो फैंस ऐसा ही कुछ इस मूवी से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फैंस को इसमें वो बात नहीं दिखाई थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस मूवी के फ्लॉप साबित होने की। नंबर पाँच, मूवीज इफेक्ट टू ऑडियंस। ऑडियंस मूवी से काफी कनेक्ट रहते हैं, मूवी में जो भी हो रहा होता है उसका रिएक्शन ऑडियंस के फेस पर देखा जा सकता है, और मूवी खत्म होने के बाद भी उसका इम्प्रेशन ऑडियंस पर रहता है। और इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने कैसा रिएक्ट किया ये आप खुद देख लीजिए। सलमान खान कुछ समझ, वो मारे खाते जा रहे, वो कंटल गया, सर दुखने लगा है, फ्लॉप पिक्चर, मतलब मजा नहीं आया पब्लिक को, पब्लिक बोर हो रही है, थिएटर में पब्लिक ही नहीं है, 38% ओपनिंग मिली पिक्चर को, मतलब वेयर इज द स्टारडम, सलमान खान का बड़ा स्टार है तो फिर पब्लिक ही थिएटर के अंदर नहीं है, और पिक्चर का स्टोरी, स्क्रीन पे, डायरेक्शन सब कुछ फ्लॉप है, तो पिक्चर ओवरऑल टोटल फ्लॉप। नंबर छह, इस मूवी में शाहरुख खान भी थे, वो अलग बात है बहुत कम टाइम के लिए। अगर आपको याद होगा, शाहरुख खान वॉज मैजिशियन, ये फिल्म को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शाहरुख खान कास्ट किए। और आप तो ये जानते हैं कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग कितनी है, जिसे शाहरुख खान के फैंस इसे देखे और ये हिट हो जाए। आज जो करिश्मा मैं आपको दिखाने वाला, जादू से कहीं बढ़कर, तो सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, नहीं, तो यहां है कोई ऐसा? नंबर सात, आजकल रिमेक का क्या ट्रेंड चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, मूवी हो या सॉन्ग, हर कोई रिमेक बनाने में लगा हुआ है। ट्यूबलाइट एक रिमेक फिल्म थी। यस, इट्स ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन अमेरिकन मूवी लिटिल बॉय, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यह ऑफिशियल रिमेक था, इसके सारे राइट पहले खरीदे गए थे। लिटिल बॉय में एक छोटा लड़का होता है जिसके पिता वॉर के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं, और ट्यूबलाइट में सलमान खान का भाई खो जाता है। That's my dad. I wanted to be just like him.
Pepper, Flint, Busby, it's time to go to bed. All was good in the old Busby home. Why can't we stay together? आठ, बॉलीवुड के ऐसी कितनी ही मूवीज हैं जिन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया जाता है, और कई मूवीज तो अदर कंट्रीज में भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। पता है इस मूवी का प्लस पॉइंट क्या था? दैट वाज फर्स्ट मूवी विच आल्सो रिलीज्ड इन चाइना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द पास्ट ऑफ चाइना। और एक वजह ये भी थी कि इसमें चाइनीज स्टार्स भी शामिल थे। चाइना में बाहुबली, हैप्पी न्यू ईयर, थ्री इडियट्स जैसे मूवीज भी रिलीज हुई थी, लेकिन ट्यूबलाइट को बहुत जल्दी रिलीज किया गया था। नंबर 9, इस मूवी में आपको उस चाइनीज लड़की की माँ तो याद ही होगी। एक्चुअल में उस एक्ट्रेस का नाम जूजू है, जिनका रियल नेम डीलिंग है, जिन्होंने 3 साल से ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था, एंड शी वॉज नेशनल लेवल म्यूजिशियन। इतना ही नहीं, डीलिंग ने इंजीनियरिंग भी की है। यस, शी इज क्वालिफाइड इंजीनियर, शी इज सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। नंबर 10, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्यूबलाइट एक रीमेक है अमेरिकन मूवी लिटिल बॉय की। लिटिल बॉय की टाइम ड्यूरेशन 107 मिनट थी और ट्यूबलाइट की टाइम ड्यूरेशन 136 मिनट। क्या आप जानते हैं कि ट्यूबलाइट को एक अवार्ड यानी सर्टिफिकेट भी मिला है, शॉर्टेस्ट फिल्म ऑफ सलमान खान, यानी ये सलमान खान की सबसे छोटे फिल्म है इन टाइम ड्यूरेशन। नंबर 11, दोस्तों हमें मूवीज में एक्टर और एक्ट्रेस ही दिखाई देते हैं, बट एक मूवी को बनाने में काफी लोगों का हाथ होता है, लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, एडिटर एंड जूनियर आर्टिस्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दे कि इस मूवी को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी है। ये प्रोड्यूस की गई है SKF यानी सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन। इस मूवी में मेन लीड में सलमान खान, सोहेल खान, लीलिंग नजर आए थे। इस मूवी को 23 जून 2017 को रिलीज किया गया था। नंबर 12, दोस्तों सलमान खान ने एक्सपेक्ट किया था कि ये मूवी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जैसा कि उनकी सारी मूवीज कमाती है, लेकिन इस मूवी से उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, सो ही डिसाइडेड टू पे ऑल लॉसेस लाइक मेकअप, लाइट, कैमरा, ऑल काइंड ऑफ लॉसेस, जिसके लिए उन्होंने 1.14 बिलियन पे किए, यानी उनको 1.14 बिलियन का लॉस भुगतना पड़ा। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 81 मिलियन कमाए थे, जबकि इस फिल्म का बजट अप्रोक्स 1.5 बिलियन था, यानी इस मूवी को काफी लॉस हुआ। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि आपको ट्यूबलाइट मूवी कैसी लगती है। जल्द मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। Personal dreams.